हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम इस वीडियो में बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है विंडलास बायोटेक। ओके, आज के दिन लगभग 4% ऊपर है, बट कह रहे काफी लोग सोच रहे होंगे कि 4% अब है तो अब बताया जा रहा है। नहीं, एक्चुअली 4% तो बस दिखाने के लिए है। अब यहाँ से एक अच्छी खासी रैली शुरू होने वाली है जो इस शेयर में कुछ ही दिनों में अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देख के जाती हुई दिखाई देगी। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है। ओके, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिस तरीके आपको यहाँ पर वीडियोस मिलते रहे। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं बट बेल आइकन को हिट नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस मिलती रहे। परसों के दिन यहाँ पर स्टॉक्स बताया था और टारगेट क्या बताया था, पहला टारगेट 74 का डीडे प्लास्टिक। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप चलेंगे कितने रुपए, 71, तो 74 का टारगेट कल तक अचीव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 20% का अपर सर्किट लग चुका है और तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टडी। अगर आप यहाँ पर चीजें सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हम यहाँ पर क्लासेस शुरू करने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, 1 अक्टूबर से क्लास शुरू होने वाली है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो यहाँ पर आप जाके एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, इन नंबर पे मैसेज कर दीजिए क्लासेस के लिए। बहुत अफोर्डेबल चीज में आपको फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ सिखाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा, ताकि आप यहाँ पर चीजों को पकड़ सके, किस तरीके से स्टॉक्स को यहाँ पर चूज करना है, कैसे ये स्टॉक्स आपको मिलते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताते हुए हम नजर आएंगे। तो वीडियोस में आगे बढ़ते और जानते हैं। तो विंडलास बायोटेक करती क्या है, CDMO, मतलब यहाँ पर डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये कंपनी काम करती है। मतलब दूसरे लोगों के लिए जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो दवाइयाँ बनानी होती है, ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, जो डेवलपमेंट करना होता है अलग अलग कंपनीज के लिए, वो ये पर्टिकुलर कंपनी करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर ये कंपनी एक तरीके के फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए ही वो CDMO तैयार करती हुई नजर आती है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, क्या देखा था, हिंदुस्तान फूड्स आप देखेंगे कि HUL के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है, ITC के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है, बाटा के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है, बट बेचता कौन है, अपने नाम से यहाँ पर HUL बेचता है बट बनाता कौन है, हिंदुस्तान फूड्स बनाता है। तो इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज की दवाइयाँ तो ये CDMO ये तैयार करके देते हैं, बट अपने लेबल लगा के बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर बेचते हुए नजर आते हैं। तो ये ही इस पर्टिकुलर कंपनी का काम है, काफी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी नजर आती है। अब बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड, कंपनी स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी है। देखिए, मैं हमेशा बता रहा हूँ, पैसा बनेगा इन्हीं कंपनी में बनेगा, अगर अच्छा पैसा, इफ यू वॉन्ट टू अर्न, अगर यहाँ पर आप रिस्क फ्री रह के धीरे धीरे खरगोश की कछुए की चाल चलना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए इस नंबर पे, मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि यू गाइज एटलीस्ट अर्न अ वेरी हैंडसम मनी, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जिनमें जान है। इसके अलावा डेट फ्री शेयर है, ओके, इतना पॉजिटिव ROCE 15% का, ये पॉजिटिव। इंडस्ट्री का पी 25 का, ये 12 के पी पे यहाँ पर देखिए ये सस्ता, एज वेल एज बात करें इसकी बुक वैल्यू 181 है, 235 पे चल रहा है, इंट्रेंसिक वैल्यू 303 के आसपास है, यहाँ से यहाँ भी जाता है तो 20% के रिटर्न आपके ये हो गए, 20 से 30% के रिटर्न हो गए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, जब से IPO इसका अभी आया था 2021 में, उसके बाद से शेयर लगातार गिरा है और कंसोलिडेशन फेज से अब बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर शेयर बताया जा रहा है। पिछले 5 साल में 33% का CAGR, मतलब 20% के CAGR से पैसा बढ़ता है तो 10 लाख रुपए 100 करोड़ रुपए होते हैं विद इन 20 ईयर। तो ये ऐसी कंपनी हमें यहाँ पर चुननी है। यहाँ पर बात करेंगे कंपनी की, तो यहाँ पर कंसोलिडेट नंबर एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी के नंबर देखिए, लगातार यहाँ पर कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, पिछले 2 टाइम से भी हाईएस्ट एवर सेल्स है। प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट यहाँ पर लगातार आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के मार्जिन की बात करें, मार्जिन पे थोड़ा सा क्वार्टरली बेस पे तो अच्छा है, ईयरली बेस पे भी यहाँ पर अच्छा मार्जिन आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पर देखेंगे, मटेरियल कॉस्ट कम होती हुई नजर आई है, बट यहाँ पर एम्प्लॉइज कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी, जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपको पता ही है एनुअल जो होता हुआ दिखाई देता है इंक्रीमेंट एंड ऑल, उस वजह से।
कंपनी की बात करें, ईपीएस, कंपनी का ईपीएस यहाँ पर अभी कम होता हुआ दिखाई दिया है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर अभी डेट कंपनी ने टैक्स ज्यादा पे किया है इस वजह से। कंपनी की बात करें, कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है, 9 करोड़ रुपीज के आसपास है, जो ईयरली बेसिस पे अच्छा यहाँ दिखाई देता है। कंपनी की ईयरली बेसिस पे सेल्स देखेंगे, अभी तक आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट दिखाई दे रही है, बट एक तरीके से उस तरीके की यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं है जो होनी चाहिए। ओके, बट धीरे धीरे उस चीज को अचीव करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर देखिए, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग पिछले TTM बेसिस पे 41 और मार्च 2022 में 38 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है। और माइक्रो कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, इस चीज को ध्यान दीजिए। रिजर्व की बात करें, रिजर्व लगातार बढ़े, 400 करोड़ के आसपास के रिजर्व है, बोरिंग ना के बराबर 7 करोड़, और वर्किंग प्रोग्रेस में 8 करोड़ लगा रखे। जब ये यहाँ एड हो जाएंगे, फिक्स एसेट यहाँ पर 100 करोड़ की हो जाएगी, तो यहाँ पर दोबारा ये कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। इन्वेस्टमेंट भी है 65 करोड़, और कैश भी कंपनी के पास, छोटी सी कंपनी, 114 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, रिजर्व्स पड़े हुए हैं 384, मतलब जितने कंपनी की मार्केट वैल्यू है इतना तो पैसा इनके पास पड़ा हुआ है। तो इस चीज को भी यहाँ पर समझिए। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है 59.95% की, FIIs के पास लगभग 3.21% की हिस्सेदारी है, और DIIs के पास यहाँ पर देखिए 12% की, मतलब DIIs ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर DIIs ने हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल्स ने बढ़ाई है, इन्वेस्को यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी थी वो इन्होंने खरीद ली है। और पब्लिक की बात करें तो 24% के आसपास की हिस्सेदारी किसके पास है, पब्लिक के पास नजर आती है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट की, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। ओके, कंपनीज तो और दवाइयाँ जो है वो ऑलरेडी बिकती रहेंगी, चाहे कोविड आए या ना आए या कोई भी किसी भी तरह का इशू हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं चार्ट की, तो चार्ट देखिए, एक इसने पहले क्या बनाया, इसने एक बॉटम क्रिएट करना था, वो बॉटम इसने क्रिएट कर लिया, और बार बार आके ना इसी इसी रेंज में आके रुकता हुआ नजर आ रहा है। शेयर यहाँ रुका, फिर यहाँ पर रुका एक बार, फिर यहाँ रुका, फिर यहाँ रुका, तो बार बार यहाँ पर रुक रहा है। तो सबसे पहले 211 रुपए, 210 रुपए के आसपास का इसका एक स्टॉप लॉस है। ओके, लगभग कितना, 25 रुपए की डाउनसाइड रिस्क है। ओके, जो कि आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई इतनी बड़ी रिस्क नहीं है। बट प्रॉफिट की बात करूं तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पर हमारा ये आता है लगभग 8% का, दूसरा टारगेट हमारा ये आता है जो कि बहुत जल्दी अचीव, सॉरी दूसरा टारगेट 20%, और तीसरा टारगेट ये 23% का आता हुआ दिखाई देगा। बट यहाँ पर चीजें रुकने नहीं वाली, क्योंकि कंपनी अगेन नंबर पेश करेगी, और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, फार्मा बहुत जल्दी अपने आने वाली है अच्छे खासे रूप में, और अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न देगी। और जब यहाँ पर वो रिटर्न देगी तो यहाँ पर विंडलास रुकने नहीं वाला, यहाँ से पैसा आपका क्या होने वाला है, यहाँ से पैसा आपका डबल और ट्रिपल होने हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधे के सीधे कितने 85-88% के, यहाँ पर 90% के यहाँ पर रिटर्न बनते हुए सीधे नजर आते हैं। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो ये रिटर्न भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं दूसरे चार्ट की, यहाँ देखिए, यहाँ पर फॉलिंग वेज बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और इस फॉलिंग वेज के बेसिस पे क्या होता है, इसके बेसिस पे ये होता है, और एज वेल एज ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हैं एक तरीके से इसे। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का ब्रेकआउट होता है, चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, नीचे आती हुई नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो गया है, और एक ब्रेकआउट यहाँ पर रहा है 236, जो आज का हाई था 239, इसे जैसे ही क्रॉस करेगा ये पूरे टारगेट अचीव आते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर इसे VCP कहते हैं, वोलेटाइल जो होता हुआ दिखाई देता है एक तरीके से। VCP मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वॉलेटाइल कॉन्ट्रेक्शन पैटर्न, इसे वॉलेटाइल कॉन्ट्रेक्शन पैटर्न भी कहते हैं। बार बार एक ही चीज यहाँ पर चलती हुई नजर आती है, और एक साथ ही यहाँ पर भागती हुई नजर आती है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ पर आना शुरू हुआ है, मतलब चीजें यहाँ पर बार बार यहाँ पर आके रुक रही थी। क्यों रुक रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक्युमुलेशन चल रहा था धीरे धीरे, और यहाँ पर से ब्रेकआउट आना शुरू होगा। तो चीजें पे ध्यान दीजिए, ब्रेकआउट आएगा, अच्छा पैसा बनेगा, शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, अच्छा शेयर है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। और इसी तरीके के शेयर पाने के लिए हमारे हमें यहाँ पर ट्विटर पे फॉलो करें। क्यों, क्योंकि हम ट्विटर पे चार्ट पहले ही डाल देते हैं। देखिए, विंडलास जब ये यहाँ पर था तभी 44 मिनट्स पहले यहाँ पर चार्ट हमने 1 घंटे पहले डाल रखा है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।